नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के लोगों पर छत्तीसगढ़ कोरबा की कंपनी गुलजार रोड लाइंस के प्रोप्राइटर गुलजार सिंह राजपूत के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सांसद के समर्थकों ने गुलजार सिंह की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसे सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया। मामला पैसे के लेन देन का है। सांसद के समर्थकों के द्वारा मारपीट किए जाने के वीडियो भी कंपनी के लोगों द्वारा बनाया गया है, जिसे सांसद के लोगों द्वारा सांसद से गुलजार सिंह की बात करने, उन्हें पैसे देने और नहीं देने पर जंगल ले जाकर काटने की बात कही जा रही है। इस दौरान गुलजार सिंह के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो का प्रमाण भी दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधि के लोगों के द्वारा इस तरह की पिटाई हो जान मारने की धमकी देने के बाद कंपनी के मालिक और उसके स्टाफ डरे सहमे हुए हैं। ये लोग ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कंपनी के मालिक गुलजार सिंह ने मारपीट और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने की बात कही है और कहा कि इस तरह के अपमान के बाद हमें लगता है कि हम सुसाइड कर ले। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कोरबा की कंपनी गुलजार रोड लाइंस में चंद्रपुरा के थर्मल पावर प्लांट में लगभग 5.5 करोड़ का ठेका फरवरी 2021 में लिया गया था। जब कंपनी के मालिक गुलजार सिंह राजपूत के काम के सिलसिले में चंद्रपुरा पहुंचे तो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उन्हें यह काम उनके किसी फर्म को देने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों ने पैसे लगाने के बाद ही काम देने की बात कही। इसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ गुलजार सिंह की कई दौर बात हुई और रजरप्पा स्थित सांसद के कार्यालय में बैठकर डील फाइनल हुआ। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा फेयर डील नाम कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का डील किया गया। इस दौरान फेयर डील की ओर से 1.5 करोड़ रुपए काम में लगाया गया और काम भी सुचारू रूप से चलता रहा। हाल के दिनों में सांसद के द्वारा पैसे के लिए दबाव बनाए जाने लगा। इस दौरान गुलजार सिंह के द्वारा 26 लाख रुपए भुगतान सांसद के इस कंपनी को किया गया। काम करने के बाद 3 करोड़ रुपए की बिल भुगतान के लिए लगा रहे थे, लेकिन सांसद के लोगों ने बिल लगाने से मना कर दिया और पैसे की मांग कर रहे थे। इस दौरान कल शाम जब कंपनी के प्रोप्राइटर गुलजार सिंह और संजय सिंह चाय पीने के लिए अपने वाहन से निकले तो रास्ते में एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से बिगन महतो, विनोद महतो और अरविंद पांडे सांसद से बात कर पैसे देने की बात कहते हुए गंदी गंदी गाली देने लगे और मारपीट कर जंगल की ओर ले जाकर कुट्टी कुट्टी काट कर फेंक देने की बात कही। कंपनी के मालिक गुलजार सिंह राजपूत और कंपनी के स्टाफ संजय सिंह ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि इन लोगों के द्वारा रंगबाजी की भी मांग की जाती है। कंपनी के लोगों को भी बिल लगाने से रोका जा रहा है और आज इन लोगों ने हद ही पार कर दी, जमीन से घसीटते हुए मारपीट भी की। सांसद के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के यह लोग आकर काम करेंगे तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि सांसद के ग्रह पर ही कंपनी साथ में काम करने का समझौता हुआ है। मेरा अभी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में 3 करोड़ रुपये का राशि बकाया है, बिल मिलने के बाद पर ही सांसद को भुगतान कर दिया जाएगा जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। इनका कहना है कि सांसद जो प्रतिनिधि होता है उनके लोग अगर इस तरह से करेंगे तो आखिर में आय कहाँ मिलेगी। चाय पीने निकले थे अपना गेस्ट हाउस, जो चंद्रपुरा का गेस्ट हाउस है विद्युत मंडल का, वहाँ से हम लोग बोले चलो नाश्ता खाना पानी नहीं पिया थे हम लोग बिल लगाने चक्कर में, तो निकले बचे हमारे ये अपना डी बंगला बोलते हैं कि क्या बंगला बोलते हैं इसका है? डायरेक्टर बंगला के पास ही मतलब लोग की गाड़ी दूसरी दिशा से आई, हम लोग जा रहे थे, वो काला स्कॉर्पियो थी, अचानक मतलब हमारे गाड़ी के सामने रोका तो हमारा ड्राइवर गाड़ी रोका, हम उतरा भाई अचानक कैसे करके, तो जैसे उतरा बस गाली गलौज करने लगा बहुत ज़्यादा। माँ बहन की ये है छत्तीसगढ़ से आके यहाँ काम करोगे, संसद से बात करोगे, मैं बोला भाई संसद से मेरी बात हो गई है और अभी मैं पिछले महीने 25 लाख दिया हूँ उसको 26 लाख रुपए, और अभी क्योंकि मेरे पास क्योंकि पार्टनरशिप का काम है, जब पूरा पैसा निकलेगा तो हम उसको पैसा देंगे, और क्योंकि पैसा ही फंसा हुआ तो मैं कहाँ दूंगा। दूसरी बात, आप लोग बिल नहीं लगाने दे रहे हो और मेरे आदमी को जो बिल लगा रहा था उसको भगा दियो तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा। मेरा 5 महीने का बिल रुका हुआ है FD, क्या बोलते हैं BG रखा हुआ 57 लाख, हाँ बैंक गारंटी रखा हुआ सब वहीं रखा हुआ, इससे जितना आपको देना है उससे ज़्यादा मेरा भी पैसा फंसा हुआ क्योंकि पार्टनरशिप से काम है, पर वो मतलब माने नहीं। माधर से ये छत्तीसगढ़ से काट दूंगा, गुटी गुटी काट दूंगा, यहाँ काटूंगा, मौला भाई तू मार दे जो भी कर, पैसा तो जब ही हो जब आएगा तो दूंगा सर।
पर सर बहुत ज्यादा मारा पीटा सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। क्या चाहते हैं आप? मेरे को सर उचित न्याय मिलना चाहिए। जो मारपीट किया सर मेरा तो थोड़ा सामाजिक, मैं तो ऐसा लग रहा कि आत्महत्या कर लूँ अब मेरा, क्योंकि मेरी एक रिपोर्टेशन होती है समाज, मैं ठेकेदार हूँ, बहुत बीच मतलब से मारे हैं सर पूरा। तो एक ही बता, चंद्रप्रकाश चौधरी जी से आपका क्या व्यवसायिक संबंध है? सर व्यवसायिक नहीं सर, पार्टनरशिप, इनका एक कंपनी है, उनका फेयर डील करके उनसे मैं सर, वो बोले हम हमारे पास, मैं नहीं गया था उनके पास, उन्होंने हमारे आदमी भेजा था कि भाई आप कितना का काम है? 5 करोड़ का काम, 5.5 करोड़ का काम सर, 5 करोड़ 23 लाख का। तो बोले हम आप यहाँ से आए हो हमको, हमारे साथ काम कीजिए, है ना। मैं बोला सर काम एक ही साथ में करूँगा मैं, अगर आप पैसा लगाएंगे जो भी लाभ प्रॉफिट होगा तो बाबा बाबा को जैसे सर। चंद्रप्रकाश चौधरी आपसे मिलने नहीं, उनके आदमी भेजे तो मैं गया सर, जब क्योंकि संसद है हमारे, बुलाए तो मैं गया सर उनके पास। ये कोई होटल है वहाँ पहले मिले, और रास्ता में गोला के क्या होटल है एक थे, उस होटल में मुलाकात हुई। इसके बाद फिर एक मुलाकात अपना इनके जो कहाँ क्या देवी है जो सर इनके गांव में के पास चिन्मस्तिका देवी, रजरप्पा में उनका एक कार्यालय है, वहाँ भी मिले हैं सर। 2021 में 1 फरवरी से काम चालू किए थे, तो इनका संबंध बना था इनके चंद्रप्रकाश चौधरी गिरडी के सांसद हैं उनसे कुछ संबंध बना, तो उनकी एक कंपनी है फेयर डील, तो उनके साथ इनका ये हुआ कि मतलब पैसा लगा, आधा आधा पैसा लगा के काम करने का हुआ, तो वो भी लगाए थे ये भी लगाए थे, समझे, उनका भी लगभग 1.5 करोड़ रुपया लगा था। तो अभी हम लोग जो है करीब 11 महीने काम कर लिए और 12वां महीना चल रहा था, तो अभी हम केवल अभी सितंबर अक्टूबर का बिल हमारे लगाने आए थे हम लोग, हमारी कंपनी जो छत्तीसगढ़ की है कोरबा, तो हम लोग आए थे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर ये लगाने के लिए, हमने भी 25-26 लाख रुपया उनको रिटर्न कर दिया था, लेकिन वो लोग हमारे आदमियों को जो हमारे यहाँ आदमी काम करते हैं जो बिल लगाते हैं उनको तो पहले हड़काया गया कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम बिल नहीं लगने देंगे, भाई बिल नहीं लगाएंगे तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। 3-4 गाड़ी आए थे तो उस समय भी हमारे आदमियों को हड़का के गए कि भाई तुम बिल नहीं लगाओगे, किसी भी हाल में बिल नहीं लगाने देंगे। फिर उस दिन भी इनका बीपी हाई हो गया था, इन्होंने बोला बिल क्यों नहीं लगाने दो, बिल नहीं लगाने तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। ड्राइवर के साथ हम लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो जैसे ही हम लोग डायरेक्टर बंगला के पास पहुँचे, काली रंग के स्कॉर्पियो से 2 लोग उतरे, एक उसमें विनोद महतो था और एक बिगन महतो, ये दोनों आए, उतर के आते साथ इनको गाड़ी से खींच के लात जूता मारना चालू कर दिए, लिटा लिटा के एकदम काफ़ी मतलब काफ़ी बुरी तरह से मारे हैं। उसके बाद मैंने पटांग गाली एकदम, क्यों नहीं माधरचोद पैसा क्यों नहीं देता है, सांसद का क्यों नहीं दे रहा माधरचोद पैसा। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने की भी बात कही, हाँ सर उसमें रिकॉर्डिंग में है सर कि यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, रघुनाथपुर का जंगल में ले जाके काटेंगे, ऐसे कर। मैंने आप लोग का व्यवसायिक झगड़ा? व्यवसायिक झगड़ा है लेकिन सर ये तो पर्सनल झगड़ा हो गया ना, अब तो मतलब पर्सनल क्या, व्यवसायिक ही झगड़ा है। अब वो पैसा मांग रहे हैं तो भाई पैसा आप तो लोग अब क्या चाहते हैं? सर हम लोग न्याय चाहते हैं, इनको जितना बुरी तरह से मारा गया, बेइज्जत किया गया, मैंने काफ़ी अब रोड में गिरा के कंपनी के मालिक, हमारा सब ऑनलाइन पे बिजनेस होता है, और इस तरह से मतलब मारना के जनप्रतिनिधि हैं उनके आदमी आके इस तरह से मारेंगे सर। रंगबाजी भी मांगते हैं तो। रंगबाजी एक भी उसमें बिगन महतो है, हर महीना आता है, हर महीना हमारे आदमियों को हड़काता है कि हमको यहाँ से पहले 50,000 रुपया मिलता था, आप क्यों नहीं देते हो। मारपीट हुआ था, इसलिए बताया है कि मारपीट हुआ था उनके साथ, पूरे बॉडी में पूरा बॉडी एक है, ठीक है, बॉडी एक बताया है, तो थोड़ा सा सांस फूल रहा था उनको, पहले से वो डायबिटीज की बीमारी है उनको और बीपी का भी है, तो वो अपना दवा लेंगे, वो जो बोले थे वो लेते रहेंगे, और बाकी यहाँ से जो दवा दिया जा रहा है इंजेक्शन वो भी पड़ेगा अभी एक दिन के लिए भी, ठीक है। अभी हालत ठीक है, अभी उसके उनका पोजिशन ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।